जो महिलाओं को कौन कौन योगा करना चाहिए जिससे आपको शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त रहा। उसके अभी पॉसिबल नहीं है चलाने का कोई ऑप्शन। अगर आप गांव में रहते तो मौका मिलता। बालासन, उत्कासन और सेतु बंधासन, ये तरह की जो है केवल महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह का योगा वो मेरे दिल से हम लोग जो एक्सपर्ट है। उसके बाद उद्यमी अगर हैं तो फैक्ट्री देखना, अगर उधर इनकम टैक्स हुआ इनकम टैक्स देखना, GST देखना, बहुत तरह की परेशानी है वो हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए आपको योगा बहुत जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इला मित्तल मैडम को, वाइस प्रेसिडेंट WCS और एक सक्सेसफुल सफल उद्यमी भी हैं और हम लोग को थोड़ा प्रेरित करेंगे कि और काफ़ी डायनामिक भी हैं, तो हमको लग रहा है कि वो योगा जरूर करती होंगी और कुछ हम लोग को टिप्स देंगी। कि महिलाओं का या हम लोग का भी टाइम शेड्यूल चेंज हो गया है। रात में 12-1 बजे सोएंगे और सुबह में 9-10 बजे उठेंगे। और आजकल जो यंग लड़के लोग जो हैं, बच्चे बच्ची जो भी हैं, लेट नाइट सोएंगे और देर तक उठते हैं, 11-12 बजे तक तो उठते हैं। हाँ, मोबाइल उनके नहीं। और अभी देखे हैं ब्लॉग देखने के लिए समय है, रात को 11 बजे 12 बजे। किसी का भी व्हाट्सअप देखिए, 2 बजे भी खुलेगा, 3 बजे भी खुलेगा। लेकिन 3 बजे अगर आप जीते हैं तो आपके लिए शुभ है। 3 बजे अगर आपका नींद टूटता है तो अगर थोड़ा देर के लिए नींद टूटा और उस समय कुछ आपने सोचा वो कार्य पूरा होता है। इसीलिए 3 बजे अगर आपकी नींद टूटती है तो आपके लिए शुभ है, ठीक है। तो अगर हम ब्लॉक के लिए समय निकाल सकते हैं तो हम योगा के लिए भी हम समय निकाल सकते हैं। जब रिटायरमेंट के बाद कोई भी काम नहीं रहेगा तो उस समय हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑफिस में कभी कभी 7 बजे तक भी बैठना पड़ता है कि कभी मेल आया तो अभी रिपोर्ट चाहिए, तो इस कारण वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो पॉसिबल है।